अब ये क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट एनी थ्री कॉजेस आर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी। तीन कारण बताएंगे आप जिससे कि डिमांड कर्व, इससे कि डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए। आप बताइए डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ? डिमांड बढ़ रहा है और कर्व की शिफ्टिंग हुई है ना, तो शिफ्टिंग मीन्स के रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्राइस ऑफ गिवन गुड्स या अदर फैक्टर? भाई डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया मतलब इंक्रीज इन डिमांड, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है अब अदर फैक्टर, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स को छोड़कर अब अदर फैक्टर में ऐसी ऐसी बातें बताओ मुझे इससे डिमांड इंक्रीज हो। बताओ अदर फैक्टर में ऐसा क्या क्या हो जिससे कि डिमांड बढ़े, कमेंट करके बताएंगे बच्चे। सेम जरूरी नहीं है, आप अच्छे से उसको लिख भी सकते हो अपनी अपनी लैंग्वेज में भी, बट कंटेंट वो होना होना चाहिए, टॉपिक वो होना चाहिए, बाकी लैंग्वेज का तो 19-20 फर्क चलेगा। हाँ बच्चे मैंने क्या पूछा? इंक्रीज इन डिमांड मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और रिस्पॉन्सिबल कौन है यहाँ पे? क्योंकि भैया कर्व की शिफ्टिंग है अदर फैक्टर। अब अदर फैक्टर में ऐसा क्या क्या होगा जिससे डिमांड बढ़े? वेरी गुड, अगर एक कॉमोडिटी है एक्स, इसका कोई सब्सिट्यूट है वाई, इसका अगर प्राइस बढ़ जाए ना तो लोग इसको रिकमेंडेड करेंगे, आपके एक्स गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। इसमें इसका प्राइस का कोई रोल ही नहीं है भैया, प्राइस तो किसी और का बढ़ा था। क्लियर है? जिसको क्या बोलते हैं अदर फैक्टर, समझ में आए ना? मैं सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ा, एक बार देखिएगा और को बताइए। सीजन वेदर के अकॉर्डिंग कम्युनिटी में आ जाए चेंजेस तो डिमांड बढ़ेगा, वेरी गुड। फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और बताओ। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इससे कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस कम हो जाए तो लोग तो इसको प्रेफर ज़्यादा करेंगे ना फिर, लाइक पेट्रोल सस्ता हो जाता लोग कार नहीं मांगेंगे, तो कार का प्राइस का तो कोई रोल नहीं है, फिर भी डिमांड बढ़ रहा है ना। और बताओ, इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, अगर ये नॉर्मल गुड्स हुआ मेरी इनकम बढ़ जाए तो क्या मैं डिमांड नहीं बढ़ा दूंगा इसके? डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, अगर इन्फीरियर गुड्स हुआ मेरी आय कम हो जाए तभी मैं इसकी डिमांड बढ़ाऊंगा, अगर मेरी आय कम हो जाए अगर इन्फीरियर गुड्स हुआ तो। इतने सारे रीज़न है उसमें, तीन रीज़न लिखने हैं आपको। समझ में आया कैसे लिखना है ये क्वेश्चन? समझ में आया कैसे लिखना है? समझ में आया तो इसको अलग से याद नहीं करना, जो अपने पीछे डिटरमिनेंट्स पढ़ा उनमें से आंसर लिखना है इसका। समझ में आया आपको? लेफ्टवर्ड शिफ्ट मीन्स क्या होता है? डिमांड कर इधर, अब डिक्रीज क्यों हुआ होगा डिमांड, और रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्राइस ऑफ गिवन गुड्स या अदर फैक्टर? अब बताओ अदर फैक्टर में क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? मान गुप्ता, वेरी गुड। इंक्रीज इन द इनकम इनकेस, वेरी गुड। निहाल, सीजन चेंज, ठीक है। इस समय देख रहा हूँ कमेंट आपके। चलो आप लेफ्टवर्ड के पीछे रीजन बता दो आप, लेफ्टवर्ड डिक्रीज हो रहा है डिमांड अदर फैक्टर की वजह से, बताओ। डिक्रीज इन, डिक्रीज इन सब्सिट्यूट गुड्स, हाँ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, का प्राइस डिक्रीज होगा तो लोग उसी को लेंगे, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। और इंक्रीज इन द प्राइस, इससे कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग इसको कम अफोर्ड कर पाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी। और हाँ वेरी गुड अर्नब अग्रवाल, और बताओ। डिक्रीज इन द प्राइस सब्सिट्यूट गुड, वेरी गुड निहाल। इनकम में बताओ, इनकम वाले पॉइंट में, हाँ वेरी गुड। इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, इंक्रीज इन इनकम इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, अगर इन्फीरियर गुड्स है और हमारी इनकम बढ़ गई तो इसकी डिमांड हम क्या करेंगे? कम करेंगे भैया। और बताओ, डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स हमारी इनकम कम हो जाए हम तब भी इसकी डिमांड कम करेंगे। समझ में आया बच्चे? तो ऐसे बहुत सारे रीजन है आपके पास पे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है समझ में? अब देखो बच्चे एक चीज देखो आप,
मैंने क्या बताया था, याद है कुछ आपको? देखो डिमांड में चेंजेस आते रहते हैं, डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल दो चीजें होती हैं, एक प्राइस ऑफ गिवन गुड्स और एक अदर फैक्टर्स। डिमांड बच्चे उस पर चेंजेस आते रहते हैं, उसके लिए कितनी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसके लिए कितनी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं? हाँ देखो बच्चे, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स कोई भी कमोडिटी है उसकी डिमांड जो है ऑलवेज फिक्स नहीं रहती है। हेलो, कोई भी कमोडिटी है उसकी डिमांड ऑलवेज फिक्स नहीं रहती है, फ्लैक्चुएट होती रहती है। क्यों होती है? दो रिस्पॉन्स, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स और अदर फैक्टर। सवाल इसका मतलब ये है, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स का मतलब क्या, अदर फैक्टर मतलब क्या, ये समझो। ये कमोडिटी है, इसकी प्राइस डिक्रीज हुई तो इसकी डिमांड इंक्रीज हुई, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल प्राइस ऑफ गिवन गुड्स है। इसकी प्राइस इंक्रीज हुई तो इसकी डिमांड डिक्रीज हुई, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल प्राइस ऑफ गिवन गुड्स है। मतलब एक कमोडिटी है, उसके प्राइस में चेंज आया तब जाके उसकी डिमांड में चेंज आया, तो इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। नहीं, कई बार ऐसा होता है कमोडिटी इसका प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया, वहीं के वहीं है, बट फिर भी इसकी डिमांड बढ़ गई घट गई किसी और वजह से। लाइक अभी आइसक्रीम की जो है, अभी कोल्ड ड्रिंक की डिमांड ज़्यादा है, प्राइस यही रहेगी, सर्दी आएगी डिमांड कम हो जाएगी। तो क्या आप बोलेंगे इसके प्राइस का रोल है? किसी और का रोल है ना यहाँ पे, तो बट डिमांड तो वन अफेक्ट, तो इसको बोलेंगे ड्यू टू अदर फैक्टर। क्या बोलेंगे? ड्यू टू, तो किसी कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ गिवन गुड्स और ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अब क्वेश्चन है सर हमें कैसे पता लगेगा जो डिमांड में चेंज आया उसके लिए प्राइस इसका रिस्पॉन्सिबल है, कमोडिटी का खुद के प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आया है या फिर अदर फैक्टर की वजह से चेंज आया, कौन है रिस्पॉन्सिबल? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था बच्चे, ये तीन की वर्ड आप ध्यान रखना, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, क्वांटिटी। तीन वर्ड में से अगर कोई भी एक वर्ड आपके पास मेंशन है, क्वांटिटी या एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब क्या होता है बच्चे? बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मीन घटना, क्वांटिटी मतलब पता ही है। तीन में से कोई भी वर्ड है तो मीन्स क्या है, वहाँ पे जो डिमांड चेंज आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसका प्राइस है, और अदर फैक्टर फिर क्या मेंशन करोगे? कॉन्स्टेंट। एक चीज़ अगर आप रिस्पॉन्सिबल होगा तो दूसरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो प्राइस रिस्पॉन्सिबल है। अगर तीन में से कोई भी वर्ड नहीं आया तो रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर है, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स क्या? कॉन्स्टेंट है। समझ में आया? क्लियर है? इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चे? मूवमेंट अलोंग द मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे उसी कर्व पे क्या होता है, मूवमेंट होता है, और इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां पे क्या होता है, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। एक एग्जांपल लेते हैं, डायग्राम बना सकते हो इसका आप, एक्सपेंशन इन डिमांड बनाओ, और चलो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, अगला आप बनाना, एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है। नॉर्मल डिमांड कर पहले तो बनाना ही है आपको, ओरिजन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, प्राइस है, क्वांटिटी है, डिमांड कर्व है, ठीक है, प्राइस है, क्वांटिटी है,
चलो आगे काम है। देखो हाँ जी सर, सरकार क्या हुआ, डिमांड क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंड हो गया। रिस्पॉन्सिबल कौन है? अब सोचो प्राइस में क्या चेंज आया होगा, डिमांड बढ़ जाए, प्राइस क्या हुआ होगा, डिक्रीज। क्यों, प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो प्राइस कम कर दो और देखो डिमांड बढ़ गया, क्लियर है? और अदर फैक्टर क्या है, यहां पर कांस्टेंट है। तो एक चीज आपके पास में डायग्राम हो गया, अगली चीज इसको एक्सप्लेनेशन हो गया। ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड एक्सपेंशन डिमांड एंड अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। दो तीन पॉइंट हो गए ना, एक शेड्यूल भी बना सकते हो बनाने को चाहे तो, दिक्कत क्या है? प्राइस एंड क्वांटिटी 10, 100, प्राइस को क्या कर दो, फॉल कर दो, डिमांड बढ़ा दो, है ना बच्चे? शेड्यूल भी बनेंगे। अब बताओ जरा, अगर मैं यहां पे आपको लिखता क्या, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर मैं आपको बच्चा बताऊं यहां पे अगर मैं लिखता, ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा बनता? डिमांड बढ़ रहा है बट एक बढ़ आगे क्वांटिटी, तो किसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है? तो प्राइस फॉल होगा, तो ये सेम ही तो है बच्चे, ठीक है, क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बताओ रिस्पॉन्सिबल को, डिमांड बढ़ रहा है, चलो ठीक है भैया बढ़ेगा डिमांड, रिस्पॉन्सिबल कौन है? कैसे पता लगा? वो वर्ड मिसिंग है। अब कर्व का मूवमेंट होगा, शिफ्टिंग होगा, जब भी अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है तो कर्व की क्या होती है, शिफ्टिंग। तो कहां शिफ्ट होगा, समझ में आ रहा है बच्चे? देखो सही से शुरू से पढ़ रहे हो तो अच्छे समझ में आ रहा है ना, इसलिए कोई चीज मुश्किल नहीं होती है अगर उसका सीक्वेंस अगर आप सही फॉलो नहीं करोगे ना। पहले जीने पे पैर ना रख करके एक अब ऊपर आए, सेकंड फ्लोर पे आए ना, कल आप पैर ऊपर हाथ नीचे करके आना, मुश्किल हो जाएगा, नहीं आ पाओगे। आप बताओ सेकंड फ्लोर ज़्यादा ऊंचा है या फिर आप ज़्यादा कमज़ोर हो, क्या कारण है? आप कमज़ोर हो या सेकंड फ्लोर बहुत ऊंचा हो गया, या बहुत मतलब कि डिफ़िकल्ट टास्क हो गया, या फिर आपका तरीका गलत है? तो जब भी तरीका गलत होता है ना, दो चीज़ें लोगों को दिखती है, या तो वो जो काम है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, या तो वो बहुत वीक है, बट दोनों में से रोल किसी का नहीं होता। ना तो आप वीक हो, नहीं वो काम बहुत डिफ़िकल्ट है। बेसिकली गलती कहाँ है, तरीके में। तो सेकंड फ्लोर पे जो इतना आसानी से आ जा सकता है, अगर तरीका बदल दोगे तो वही आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो रही है, सेम चीज़ों को सीक्वेंस बिगाड़ोगे, सही ऑर्डर में नहीं पढ़ोगे, तो यही आसान चीज़ें और यही तेज़ दिमाग आपका बेवकूफ़ी बुद्धों की तरह काम करेगा, और आप बोलोगे ये टफ है, दूसरा बोलोगे मैं बेवकूफ़ हूँ, दो चीज़ तो बोलोगे, समझ में आया नहीं है? चलिए अब देखिए क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट होकर डिमांड कर्व आपका। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इंक्रीज इन डिमांड, दिख रहा है डिफरेंस कुछ? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज द ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स एंड अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट, एंड इंक्रीज इन डिमांड इज ड्यू टू अदर फैक्टर एंड प्राइस ऑफ गिवन गुड्स इज कॉन्स्टेंट। अदर फैक्टर मीन्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बहुत सारी चीजें, ठीक है। यहां पे टेबल आप कैसे बनाओगे, यहां तो प्राइस में कोई चेंज ही नहीं कर सकते आप, प्राइस 10 था 10 था, डिमांड आपकी 100 से 120 होगी, प्राइस में चेंज मत करना इसमें, क्योंकि अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, प्राइस का कोई रोल ही नहीं है इसके, समझ में आया आपको ये? तो अब आपके पास में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड बना लोगे, इनडिफ्रेंशिएट करने वाला लिख दोगे, वो सब चीजें, एक कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, डन, यहां प्राइस बढ़ेगा या लेफ्ट और शिफ्ट होगा। एक आएगा बच्चे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर, मूवमेंट मतलब ऊपर या नीचे, दोनों को मूवमेंट कहते हो, दोनों ही मूवमेंट कहते हैं, तो मतलब ये क्या हो गया, मूवमेंट मीन्स क्या हो गया, मूवमेंट वर्ड का मतलब भी क्या हो गया, ड्यू टू प्राइस,
मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्या है इसका, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना, क्लियर है। तो चेंज मतलब आपको दोनों चीज़ दिखानी होगी इसमें, बढ़ा हुआ भी डिमांड, बढ़ा घटा, इसमें दोनों चीज़ दिखानी है, इसको मूवमेंट, इसको शिफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन है सेम, चेंज इन क्वांटिटी वर्ड आ गया तो चेंज मतलब दोनों चेंज दिखाना, बढ़ाना भी डिमांड घटाना भी है, सेम चीज़ है। चैप्टर को एंड करें, हाँ क्लियर है। तो भैया यहाँ पर आपके चैप्टर जो है पूर्णतः विराम अवस्था में पहुँच जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपके चैप्टर का हो जाता है बच्चे एंड। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।